नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। खंडवा जिले की नगर परिषद पंधावा द्वारा नगर सुंदर दिखे, इसलिए बेशकीमती स्वागत द्वार नगर को आने वाले हर मार्ग पर लगाए गए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के लगते ही उन्हें ढक दिया गया। चुनाव हो गए, सरकार बन गई, पर पंधाना नगर परिषद स्वागत गेट जो बेशकीमती लाखों रुपए के हैं, उन्हें आचार संहिता के चलते ढांक दिया गया था, खोला नहीं गया। दूसरी तरफ मोदी जी के स्वच्छता अभियान को भी कांग्रेस मुक्त परिषद पलीता लगाती नजर आ रही है। नगर में गंदगी की भरमार है। बुरहानपुर जिले की शाहपुर नगर पंचायत में सफाई कर्मियों से बारिश और देर रात तक सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जिससे नाराज दर्जन भर कर्मियों ने बड़ा बाजार आकर अपना विरोध जताया। पीड़ित कर्मी गोविंद चावरे ने बताया कि सीएमओ वीरेंद्र सिकरवार के अड़ियल रवैये और हठधर्मी से सभी कर्मी आक्रोशित व नाराज हैं। कर्मियों का कहना है कि बारिश में कार्य करवाना गलत है। चावरे ने कहा कि कर्मियों का नगर पंचायत अध्यक्ष राम भाऊ लांडे और सीएमओ शोषण कर रहे हैं, जिसे साफ तौर से देखा जा सकता है। हम सभी इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफाई कर्मियों ने कहा है कि समस्या से निजात नहीं मिलती है, तो सीएमओ और अध्यक्ष की शिकायत जिला कलेक्टर और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे। बुरहानपुर से चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। हमने बोला पानी आ रहा, बोले कहाँ पानी आ रहा, बंद पानी, कौन बोला पानी आ रहा, बोले हमने साहब से बात करी, साहब ने बोला पानी आ रहा, फिर साहब से बात करी बाड़ू भाई, तो बाड़ू भाई ने क्या बोला, क्या नहीं कहा, साहब पानी नहीं आ रहा, बोले कौन बोला पानी आ रहा, फिर ये क्या आ रहा, पानी नहीं तो सूखा है क्या, फिर पानी में कौन झाड़ू मार रहा, हमें पहली बार मार रहे झाड़ू, पानी में सरू सवारी खत्म होने को हम पानी में झाड़ू मारने लगे, आप हमारा शोषण ही हो रहा है। सीमू साहब और क्या बोलते हैं अध्यक्ष साहब जो हमारे रामू लांडे, वो दोनों मिलकर हमारा शोषण ही कर रहे हैं, झाड़ू मरवा रहे ना, गांव वाले बोल देंगे तो पानी आ रहा नहीं आ रहा। सालों से नहीं मिल रही ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं। गंजवासौदा कुरवाई पवई गांव में रहने वाले कई ग्रामीणों को कई सालों से सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अन्य गांव की अपेक्षा में या गांव विकास के मामले में काफी पिछड़ा है। यहां के ग्रामीणों को शौचालय, कुटीर, मनरेगा आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हालत बद से बदतर है, लेकिन इस ओर ना तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाता है और न ही अधिकारियों का। गंजवासौदा से चौबे की रिपोर्ट। हमारी समस्या कोई काम नहीं, 5 साल में सरपंच भी पैसे मांगता है और वो भी मांगता है, सचिव भी मांग रहा है, कौन देंगे, अच्छा सरपंच, तो 5 साल में कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं है, कोई सुना ही नहीं साहब, कौन सा गांव है ये, पवई। हरपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटुआ में करंट की चपेट में आने से 5 युवक बुरी तरह झुलस गए। युवकों को आनन फानन में हरपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर न होने के कारण उनको उचित इलाज नहीं मिल पाया और 2 युवकों ने हरपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही दम तोड़ दिया। मुरादाबाद में हुई बरसात में एक गांव ग्रामीण इलाकों की पोल खोलकर रख दी है। ताजा मामला मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव का है, जहां पर 2 दिन में हुई बरसात ने ब्लॉक मुंडा पांडे की पोल खोलकर रख दी है। ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के एक दर्जन गांव में बारिश के कारण ग्रामीणों को निकलना दुश्वार है। गाँव के अंदर रास्तों की स्थिति खराब होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी व दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाँव के हर एक इंसान को इस कीचड़ भरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, वहां से गुजरने वाले लोगों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। थोड़ी बरसात पड़ जाने पर रास्तों में जल भराव हो जाता है। रोड में क्या 2 साल से खराब है, परेशानी तो यही है कि आना जाना बिल्कुल ही बंद हो जाए, अपने पास से थोड़ा भराव सराव डलवा के ये पानी निकास करके अभी नालियाँ बनाई हैं, जिसके परेशानी चारों वो भी नालियाँ बनाई हैं, स्कूल का भी है, मस्जिद का भी है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ना आते, क्या करें, कपड़े गंदे हो जाए, कोई कोई इसी में चले जाए, कोई कोई इसी में चले जाए, जो यहाँ मोहल्ले के हैं वही आ जाए पैर रख रखा के, अब यही चाहे बस रास्ता हो जाए यार, अब रास्ता क्या होगा, 2 साल हो गए कहते कहते, कोई आदमी छोड़ा नहीं, सभी हर आदमी से कह चुके हैं। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।